सर नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये नज़ारा। इस समय हम महम नगर पालिका के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और एक नंदी महाराज को जो है बीच रोड पे बिठा कर जो है गोरक्षा दल के जितने भी सेवक हैं इन्होंने यहाँ पे जाम लगा दिया है। अगर क्या कारण है पूरी की पूरी जानकारी जो है मेहसा जी सर जो कि लगातार गऊओं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं उनसे बात कर रहे हैं। मेहसा जी समय आप हमारे साथ जो है लाइव जुड़े हुए हैं और ये नजारा हम देख रहे हैं नंदी महाराज को जो है बीच सड़क पे बैठा कर आपने रोड जाम कर दिया है, कारण क्या है? भाई हमने को नहीं बैठाया बेचारा, आप पे बैठे हमने न्याय दो। ये स्लैब टूटे हुए हैं इसके गंदे नाले के, यहाँ ये पशु हैं आवारा, इनको अंधेरे में या जो भाग पीछे से कुत्ते वगैरह पड़ लें तो ये दोनों एकदम घुस जाने के कारण जो है फिर इनको कोई किसी के नोटिस में हो तो निकाल देते हैं, नहीं तो रात भर यही निकालते। गोरक्षक दल वाले निकालते हैं, एक पार्टी है दो तीन लड़के शीशर गांव के हैं, वहाँ फोन करने से वो फौरन पांच मिनट में आ जाते हैं। वो बाकी पीडब्ल्यूडी को 20 बार बोल चुके हैं इसके बारे में, कोई भी जो ने स्लैबों को ठीक नहीं करते और कोई परवाह नहीं है। ये मामला जो है कोई नया मामला नहीं है, लगातार जो है इसके अंदर हर दूसरे तीसरे दिन हर दूसरे तीसरे दिन जो है गाय बैल इस नाले के अंदर गिरते रहते हो और आप लगातार जो है इनको निकालते रहते हो, लगातार निकालते रहते हो। उसके बावजूद जो है आपस की लड़ाई, पीडब्ल्यू विभाग की बात करें अभी नगर पालिका की एक तरफ से पल्ला झाड़ने वाली बात है लेकिन इसका जो है परमानेंट इलाज नहीं हो रहा, अब क्या करने वाले हो आप लोग? भाई आज इस मई एक भी नाम नाड़ बैठना पड़ो इस पर पत्थर गिरुआ के उठाएंगे, बस मेन बात है या। और जितने भी दुकानदार हैं, टैक्सी स्टैंड वाले हैं और कमेटी वाले जो है कमेटी के वर्कर है इन पर पूछ लो, दिल्ली के 2 या 3 गोवंश साड़ा पड़े हैं और इस पूरी 24 का गोबर मूत्र में आम तला बढ़कर रस्से डालकर वो करा हाँ, इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आंदी, ना सेक्रेटरी ना आंदी ना चेयरमैन ना आंदी, इन गरीब भाई रेडिया ने तो एक मिनट में पलटा दे हैं, आड़े भी आका अपना कुछ करो इस खातर ये गौ माता घूम लाग रही। इनका तो कहना है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता नाला जो है पीडब्ल्यू। अरे तो अंडर में नहीं आता, 1-2 लाख का थोड़ी है, बतेरे ग्रांट खांदे होंगे, बतेरे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, बतेरी रिश्वत आंदी होगी, मारे ये मुकदमे ला लियो क्या है के भी फिर इन खातर तो कर दो। तो अब ये रोड जाम आप लोगों द्वारा कर दिया है, कब तक यहाँ पे फट खा जाते हैं? कोई भी नेता खाता हो या जो कर्मचारी खाते हो वो कहाँ से आता है उनका? अब यहाँ कोई आ जाएगा वहां पर जो ना स्टेज वगैरह लगाना, उनका चाय पानी करना, झंडी लगाना, वो कहाँ से खर्चा आ जाता है? तो मेसा भाई आज जो है ये नंदी को आपने बाहर निकाला, उसके बाद जो है अंदर बात करने की कोशिश की थी? अंदर ना सेक्रेटरी बैठा ना चेयरमैन बैठा ना, तो अंदर लेकर जावा थे इसने, इव सेक्रेटरी भी और चेयरमैन भी और विधायक सारे आड़े बुलाने। भाई साहब हमेशा ही ये दिक्कत आती है, जो डेयरी वाले पशु छोड़ते हैं ना तो नगर पालिका उनका चलान करती, वो रोड पर आते हैं मंडी के थ्रू पड़ते हैं फिर ये इससे हादसे होते हैं। इनके पास में कैटल फ्री करने के लिए भी ग्रांट आता है ना तो उसको पास करते हैं, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसका कारण नंदी महाराज पर ये दावा ठोकते हैं लेकिन खुद नगर पालिका होती है, इनको गौशाला में छुटवाना चाहिए। और काफी हर महीने में 5 से 6 कॉल आती है नालों के अंदर नंदी महाराज पर। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा नंदी महाराज जी, ये देखो जिस तरीके से नाले के अंदर ये गिरे थे, उसके बाद आप देख रहे हो नजदीक आके कैमरा मैन साथी से कहूँ दिखाओ, ये देखो इसकी हालत, चोटे और सर्दी से शरीर जो है पूरे रात बताया जा रहा है कि नाले के अंदर ये नंदी महाराज जी फंसे हुए थे, सर्दी के अंदर लगातार जो है कपकपी चढ़ी हुई है। तो उन लोगों को जो अपने आप को नेता और समाज सेवी कैसे, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, क्या आपसी लड़ाई के चक्कर में कि ये पीडब्ल्यू के अंदर नाला आता है या फिर नगर पालिका से कम अगर 2-4 पत्थरों की बात है तो इतने से पत्थर नहीं रख सकते और दावे करते हैं बड़े बड़े। अब बात आए रेडियो के उठाने की, अवैध कब्जों की उठाने की, कोई भी काम आज तक मैंने नहीं देखा इस नगर पालिका के माध्यम से अभी तक कोई भी काम पूरी तरीके से हुआ हो। अब देखना यह है कि ये गोभक्त इस नंदी महाराज को यहाँ पे लेके बैठे और रोड को जाम किया हुआ है, कब तक इसी तरीके से यहाँ पे बैठा रहना पड़ेगा या फिर कोई कर्मचारी या अधिकारी आके इनकी सुनवाई भी करते हैं। तो दोस्तों जुड़े ही रहिएगा हमारे साथ लगातार, इसी तरीके से हम आपके साथ जो है लाइव जुड़े हुए हैं, पूरा मामला जो है आपको दिखाते रहेंगे। पीछे कहूँगा एक बार दिखा दे मेरे साथी, जिस तरीके से व्हीकलों की जो है अब लाइन लगना स्टार्ट हो गई है, जाम लग चुका है।
ये इनको बाहर लिकड़ के नहीं दे सकते कि गौ माता पड़ी है, कोई नंदी महाराज गिरा हुआ है। सारी रात नंदी महाराज तड़पता रहा, जाडे में ठिठुरता रहा, ना इन्होंने कोई बाहर आकर जवाब दिया ना कोई एक्शन लिया। फिर भी कड़ी मशक्कतों के बाद ये मसाई निकाला, बाहर निकाला इसको, और अब भी ना बोल देते हैं अंदर, ना कोई पुलिस वाला आता है, ना कोई सेक्रेटरी आता है, ना हमारा कोई कुछ भी। हम तो ये चाहते हैं जी हमारा सोल्यूशन हो गौ माता के लिए, सभी भाइयों भाई हमारा करें, और जय गौ माता की सभी भाइयों को। भाई चौकी इंचार्ज जो है नफे जी यहाँ पे पहुंच चुके, उनसे बात कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर जिस तरीके से एक नंदी को लेकर आए हैं, देख रहे हैं अभी देख रहे हैं मामले को, क्या है क्या नहीं। चौकी इंचार्ज यहाँ पहुंच चुके हैं मौके पे, अब जो है गौ रक्षा दल वालों से बात करने वाले हैं, उनसे देख ये समस्या है भाई बताओ। ये पत्थर लागे ना, पत्थर अटले अंकल साथ और 4 महीने से देखन लागे रे। आप तो रवि जावा है, आपके मुलाजम इस नाला पता है, आपके मुलाजम इतना सहयोग कर रहे हैं, एक मिनट में आवे है नाले में। हाँ नाला में तो काटा है, काल का पड़ा था। ये देखो जामाला की गई, जामाला खिलाफ सारा कर दिया, जमा टोटली कर दिया, 7 पत्थर है वो लुवा दो जाम, और कोई सुनता तो कोनी मारी, और करा के नगर पालिका नाटकीय मना कर दिया साहब, जमा साहब मना कर दिया, नु बोले मारे अंडर में दिखाओ एक बार दिखा अंत तक। हेलो दिखा के जाओ भाई, परसों वहाँ पर एक गाय पड़ गई थी, वो नाले के अंदर से निकाली, और मैंने कम से कम 3 साल हो गए इस पर्पज के लिए घूमते हैं। ये PWD का नाम ले दे, PWD वाले कमेटी का नाम ले दे, वहाँ जाता हूँ बिना, हम नहीं जानते इस बारे में, कमेटी वाले जाने, कहीं तो इसका समाधान होना चाहिए। पत्राचार ये कुछ करते ही नहीं, कार्रवाई PWD वाले इनका नाम ले दे, कमेटी वाले उनका नाम ले दे हैं। ये तो मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरीके से मामला आज का कोई नया मामला नहीं, लगातार जो है गवे नाले के अंदर पड़ते कभी नंदी महाराज, और ये मामला पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू इनके संज्ञान में है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है बात को टालने में लगे हुए कि PWD के अंदर है, नगर पालिका के ऊपर, लेकिन इसकी सुनवाई कोई नहीं हो रहा। आज रोड जाम किया गया है, तो आप लोग भी पहुंचे हो, लेकिन नगर पालिका के अंदर से या फिर PWD विभाग के कोई भी अधिकारी जो है इनको देखने के लिए नहीं आए आज तक। क्या लगता अब किस तरीके, ये तो मानवता के नाते भी हम बात करें तो 2-4 पत्थरों की बात है, तो क्या रख नहीं सकते इसको। ईव गंडा श्यापा 3 दिन का नाला में छेड़ा था, वो काट के दाब का यहाँ गौओं को, तो कम से कम माता गौ माता के नाम से हम जानते हैं, हमारे माता के रूप में पूछते हैं इनको, और नंदी महाराज क्या इनके लिए जो है 2-4 पत्थर नहीं, बार बार क्या रोड पे जाम करने से ही समाधान होगा? नहीं, रोड जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया करेंगे, अगर इसमें भी कोई अपराध होया होगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। बाकी रही नाले की बात, नाला जो है किस कौन से डिपार्टमेंट के अधीन आता है, हम अधिकारियों से बात कर लेते हैं, उसके बाद उनको पत्राचार करके इसको ठीक करवाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो आप रोड जाम क्या हुआ, क्या इसको किस तरीके से खुलवाने? रोड जाम को इनको बता दिया भाई पत्राचार के लिए जो मैं तैयार हूँ, और इनका जो भी सोल्यूशन होगा चाहे PWD का हो चाहे नगर पालिका का हो, उनसे विचार करेंगे, उसके बाद जो समाधान होगा आपको बता देंगे। सर जी क्या इस बात से आप सहमत हो, रोड जाम जो किया हुआ खोलने वाले होगा किस तरीके से? देखो हम प्रशासन तक किसी भी तरह से बाहर नहीं है, पर प्रशासन से हमारा जोड़ का एक निवेदन है, जो इस बात का जो मामला है संज्ञान में लेना ना, वो आज और अभी लेकर हमने न फिर ये बता दे कि 3 दिन में पत्थर लगेंगे, हम 7 दिन का टाइम दे देवांगे। इंचार्ज साहब आए हुए हैं, एक बार पूछे उनने यहाँ बुलावे, और जो वो नु कहोगे 3 दिन में हम पत्थर लावाए तो हमारा वादा, हम 7 दिन की बात देख लेवाए, फिर आज जो काम हो पक्का करके उठाएंगे। अगर जो हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हम गलत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत को नहीं, इस गौ माता खातर जेल जाना पड़े तो हम बिल्कुल नहीं डरते। तो दोस्तों अब जो है मामला पूरा पूरा आपके संज्ञान में आ गया है, जैसे भी जो भी कार्रवाई होती है लगातार आपसे जुड़े हो और आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।